नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कोई खास सूचना या समाचार नहीं लेकर आए, बल्कि आपसे बात करने आए हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि 1 जुलाई से विद्यालय खुल रहे हैं तो हमारी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम शायद रेगुलर अपडेट ना दे पाएँ, प्रतिदिन मतलब कोई वीडियो ना दे पाएँ। लेकिन हम जैसे ही कोई ज़्यादा खास और अपडेट हमारे सामने आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इन फिलहाल 2 दिनों में शिक्षा मित्रों से जुड़ी कोई खबर नहीं थी, बस इतनी थी कि राजदास महाराज जी की जो समिति है, जो संघ है, उनकी तरफ से जो यज्ञ हो रहा है अयोध्या में, उसमें सभी शिक्षा मित्रों को आमंत्रित करने की होड़ लगी हुई है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्र वहाँ पहुँच कर उसमें शामिल हों, ताकि शिक्षा मित्रों की मांगों को सरकार से डायरेक्ट पास करा दिया जाए। यानी कि उनके कहना है कि जब तक यज्ञ होता रहेगा, तब तक से छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल आपको उस यज्ञ में शामिल होना है नहीं होना है, इसका फैसला लेना है। बाकी माननीय संत राजदास महाराज जी से मुलाकात करने के लिए भी शिक्षा मंत्री जी भी पहुंचे थे। उस समय बात चल रही थी कि उस समय भी शिक्षा मित्रों को लेकर शायद कुछ बातें होंगी, लेकिन वो भी आज स्पष्ट तौर पर सामने कुछ भी नहीं आया है। तो इसका मतलब शिक्षा मित्र संबंधित चर्चा सुनने में रही है, लेकिन प्रयास सभी के जारी हैं। जितेंद्र साय जी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पत्राचार हमारा चल रहा है और जल्द ही इस पर जो है समाधान भी निकल कर सामने आएगा। हमारा आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि बेसिक शिक्षा की खबर तो हम आपको दे ही रहे हैं, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट तो खासकर विशेष तौर पर हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं। लेकिन आपको एक सूचना देनी थी, जैसे कि अब 1 जुलाई से 2 महीने तक 16 प्रशिक्षण और आ गए हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, वो भी करने हैं दीक्षा ऐप पर। साथ ही साथ हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि तीनों मॉड्यूल पर एक प्रश्नोत्तरी भी लिंक के माध्यम से शिक्षकों को जारी की जा सकती है, जो कि एक तरह से ऑनलाइन परीक्षा होगी शिक्षकों की। तो वो तीनों मॉड्यूल भी पढ़ने हैं सभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या हम इन तीनों मॉड्यूल के अंदर जो प्रश्नोत्तरी है उस पर वीडियो बनाएं और आप तक लेके आएं। अगर आपके कमेंट हमें थोड़ा सकारात्मक मिलते हैं और थोड़ा एनर्जेटिक करते हैं हमको, तो हम डेफिनेटली उन बिंदुओं पर भी, टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे जो इस प्रश्नोत्तरी को हल करने में मदद करेगी। क्योंकि आने वाले समय में सख्ती के साथ इन परीक्षाओं पर जोर दिया जाएगा, इन तीनों पुस्तकों को रटना तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी कर दिया जाएगा, इससे कोई नहीं बचेगा। ये कहें कि हम शिक्षा मित्र हैं, हम नहीं पढ़ रहे या हमें इतनी इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, ये सभी के लिए कंपलसरी होगी। क्योंकि इसमें बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दी जा सके, मिशन प्रेरणा को कैसे सफल बनाया जा सके, इस संबंधित सारी डिटेल है। तो ये बहुत ही कंपलसरी, इससे कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए जिसमें हम इन पुस्तकों से संबंधित वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कराएं। और जैसा कि आज शुक्रवार है और कल शनिवार, इतवार है, वैसे यूपी में लॉकडाउन है, लेकिन परिषदीय विद्यालय शनिवार को भी खुलेंगे। ये इस पर काफ़ी समय से भी चर्चा चल रही थी कि क्या शनिवार को भी विद्यालय खुलेंगे, क्योंकि शनिवार को पिछले लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, स्पष्ट आदेश आ गए हैं कि सभी परिषदीय और माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। हाँ, डिग्री कॉलेज ने छुट्टी घोषित की है कि इस लॉकडाउन में डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय नहीं खुलेंगे, लेकिन माध्यमिक तक तो सभी विद्यालय खुलने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि इसमें ऑफिस वर्क होना है और ऑफिस तो खुल ही रहे हैं, इसलिए सैटरडे को खोलने का आदेश दे दिए हैं। तो बस दोस्तों, बस आज हमें आपसे इतनी ही बात करनी थी और हम आपके द्वारा एनकरेज होते रहें, इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें किन टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, और क्या आप तीनों मॉड्यूल से रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हम राय जान सकें। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।